और अमेरिका के न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी में भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात बने हुए। डिजास्टर टीम लोगों के रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है और उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रही है। यह अमेरिका के येलोस्टोन पार्क की तस्वीरें हैं, जहां राष्ट्रीय उद्यान विभाग ने बाढ़ का वीडियो जारी किया, जिसमें पानी ने सड़कों, बिजली लाइनों और अन्य पार्कों के बुनियादी ढांचों को तहस नहस कर दिया। पानी के तेज बहाव में कई जगहों पर पहाड़ों की चट्टान खिसक गई, जमीनें धस गई। जून में आई इस आपदा के बाद पार्क के दक्षिण और उत्तरी छोर को करीब 3 हफ्ते की कड़ी मेहनत के बाद फिर से आम लोगों के लिए खोल दिया गया है। पर्यटक वेबसाइट से पार्क में क्या खुला है, क्या बंद है, इसकी जानकारी ले सकते हैं। इधर न्यू जर्सी में कई जगहों पर भारी बारिश के बाद जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। अंडरपास में पानी भर गया है, जिसमें लग्जरी गाड़ियां फंस गई हैं। इधर भारी बारिश की वजह से न्यूयॉर्क शहर भी तबाह है। शहर और उसके आसपास सड़कों और मेट्रो स्टेशनों पर बाढ़ आ गई है। एक तस्वीर में साफ साफ दिखाया गया है कि मैनहट्टन के एक स्टेशन में बारिश की तेज बौछार के बीच पटरी के नीचे से पानी तेजी से बह रहा है, जैसे कोई नदी हो। तूफान निकल चुका है, लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। कयास लगाए जा रहे हैं कि 90 के दशक के बाद यहां तापमान 32 डिग्री के ऊपर रह सकता है।